गाइस कैसे हो आप लोग। इस बार मैं आया हूँ रामपालपुर के चौड़क मेला, मतलब भक्तों वाला ना रे, हम लोग आया रामपालपुर का चौड़क मेला। और ऐसा सुनने में आया कि सबसे ज़्यादा धनबाद में सबसे ज़्यादा भक्ता की गिनती में भी और सबसे ज़्यादा कांटा की गिनती में भी यही टॉप है, मतलब रामपालपुर सबसे टॉप भक्ता मेला होता है यहाँ पे। तो तुम्हारा भाई पहुँच गया भक्ता मेला को कवर करने के लिए, तो बने रहो यार वीडियो पे। और अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब तुम कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आपको मिल सके। और चलिए हम मेला में एंट्री कर ही चुके हैं और हमारे साथ देख सकते हो ये सब कुत्ती बात का लड़का लोग ना रे। बोलो मत बोलो, सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब करो भाई। हां तो गाइस हम लोग यहां पहुंच चुके हैं अभी अभी, मतलब मेला का टाइम हुआ नहीं है और हम लोग पहुंच गए। अभी हम आए स्पेशली जो होता है ना, क्या बोला, जिभावन, उसको देखने के लिए आए हैं। जिभावन मतलब समझ रहे हैं, जीभ में लेता है काटा और इधर भी और इधर भी, और काटा लेके सब तरफ ये लोग नाचता है धरमदा। और चलिए हम पहुंच चुके हैं मेला की अंदर। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे आ चुके हैं, देखो ये धरमदर करता हुआ डांस चल रहा है, जो जिभावन लेके डांस चल रहा है यहाँ पर। देखो यार तो गाइस बात कुछ ऐसा है, तो अक्सर कहीं आप दूसरे जगह पर जाते हो जहाँ पे होता है भक्ता मेला, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी या चार आदमी लेता है जिभावन। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि साला हर आदमी जिभावन ले रहा है, हर आदमी, एक आदमी आ रहा है, दो आदमी आ रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। भेजवाई के लिए मैंने भेजवाई के लिए तो अच्छा करो बात में मेला टावर आइए। ठीक है देखा, मतलब दो दो काटा लिया था जीप पे, फिर भी डांस ऐसा कर रहा था कि का ही बताए। ऊपर से तीन दिन से उपवास में ना बाबू, तो परब कर ला बानो हमें तो नहीं करा पड़ी है परब कर ला। हाँ तो गाइस चलो मेला को फुल कवरेज में आपको देते रहूंगा, अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, समझे। चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ तुम, चश्मा मेरा कैसा लग रहा है, ये छोटू दिया है तो लग ना भूली चश्मा भूली जाओ पापा नहीं चश्मा भूली जाओ पापा नहीं आप ठीक है। तो देखे ना वीडियो आगे बार गुराब चश्मा है हाँ तो चश्मा टी आस्ते हमारे गले बुझल। चलो फुल कवरेज दिखाऊंगा मेला में। हाँ तो दोस्तों मेला में अभी घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया और इस बार बारी हो गया, मतलब लास्ट वाला चीज जहाँ पे होता है कि भक्ता लोग काटा लेता है और घूमता है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको मेरे को नहीं पता, आपको पता था कौन बता दिया। तो अभी काटा लेगा लोग और घूमेगा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा काटा ये लोग कैसे लेता है कैसे नहीं लेता, तो बने रहिएगा वीडियो पे। Okay.
छोटा वाला भक्ता यही है जो उतर रहा है घूम के ये ले। हाँ तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं रामपालपुरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस साल के रामपालपुरा के सबसे छोटे वाले भक्ता, उनसे मैं आपका बात करने वाला हूँ। तो देख सकते हो मेरे साथ ये छोटे वाले भक्ता भी है ये हैं। मतलब रामपालपुरा सबसे छोटे वाला बच्चा, आप इनको देख सकते, देख के इनका उम्र अंदाज लगा सकते हो कि ये कितने साल के होंगे। तो सबसे पहले बाबू क्या नाम है आपका? देव मातो है। देव मातो कहाँ का लगो? रामपुर। पापा का नाम की लगो? गोलोक मातो है। गोलोक मातो, अच्छा गोलोक मातो। नुनू तर बॉयस कहते हैं वो? हमारा 12। 12 बच्चा? कौन क्लास है पढ़ीस? 7। 7 क्लास है? নুনু তো যে 7 ক্লাসে পড়িস আর তোর 12 বছর বয়স হবো আর তাই দুগো গেলে কাটা, তোর এত দম কাঁ আইলো? আমার ভোলে বাবা সংসার আয়। ভোলে বাবা সংসার দাও? সারা সারা এত না সারা কি তাই দুগো লেলে কাটা? আর ঈশান দিয়ে তোর রাস্তায় চলিস, তোর গোড়া ডুবে যা কাটা, তখন তোমার কন্ট্রোল লাগবে, তখন তুমি গাগাইস? হ্যাঁ। তো আজ কাহিনে গাগালে? আমি কিনে যাই বলো বাবা। দরদ লাগো নুনু, সত্যি কথা কো, মজা না সত্যি, দরদ লাগো? এলপ 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 লাগো। ভরা হবা উপর আশ রাখ না, অল্প অল্প টা ফুড়াই যেত নাচে না দমকে নাচে বুঝলে। তা ভক্তা ঘুরলে না আপ তো ফল খাই পারিস, আরামসে খো আর মেলা এনজয় কর বুঝলে। ঠিক আছে নুনু, ঠিক আছে। আরে আরে মাদে आपने राम पार्क में कैसा बढ़िया से एकदम भक्ता मतलब पार करते हैं लोग, मजा काफी ज्यादा आ जाता है। तो इस बार मतलब काफी देर हो गया इसलिए हम घर जाएंगे और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मतलब आप ये मत सोचना कि इतना छोटा वीडियो में विशाल मातो ने मेला खत्म कर दिया और मजा इस बार नहीं आया। तो यार मजा आएगा ये मैं लिख के देता हूँ, ये मेला का पार्ट वन, पार्ट वन है, पार्ट टू में मजा आएगा। इस शाम के टाइम में हम लोग पार्ट टू बनाएंगे, उस टाइम भी एक प्रोग्राम रखा गया, आपको प्रोग्राम भी दिखाएंगे। अब प्रैंक होगा मस्त वाला जैसे किए थे कॉलेज में, ब्रेक होगा मस्त वाला। तो बड़े भैया तुम मिलते हैं अगले पार्ट टू में, तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि पार्ट टू वाला घर आने वाला एकदम झकास। तो मिलते हैं, लव यू गाइस, और लाइक कर दीजिएगा भाई लोग। रुको पार्ट टू में आएगा जोराम मातो, तो कौन बोले? ओ हाँ, एक बड़े अपडेट है उसमें, जयराम जयराम मातो जो 1932 का खतियान जो लाई किया हुआ है वो आएंगे 3 बजे का टाइम में हम लोग के यहाँ राम पहाड़पुर में। हेलो मजा आ जाएगा गाइस, अब लाइक होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा। मेरे आई के आंखों के आंसू बोलते थे मुझे इस दुनिया को इसकी औकात दिखा दे, तो फिर माँ ये देख मैंने क्या कर दिया, मेरे खून से मैंने आसमान भर दिया, तेरा बेटा भी आम इंसान नहीं रहा, तेरे लिए मैंने सीने में ही घर कर दिया। वी आर कमिंग इन मेला, हम लोग मेला से घर जाते हुए, अबे दौड़ पे गिया थी, बड़ा पे घोटा 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 पे दौड़ पे बोल दो। हाँ तो गाइस हम लोग मेला से घर आ गए हैं, मतलब ये नहीं आप सोचो कि घर जाएगा सो जाएगा, घर जाके मैं एडिटिंग करेगा और ये पार्ट वन का एडिटिंग चलेगा, ये पार्ट वन था, घर जाके मैं अभी बाकी है, घर जाके मैं एडिटिंग करेगा, उसके बाद मैं सोएगा, उसके बाद खाना खोएगा क्योंकि पैसा वैसा है नहीं हमारे पास, यूट्यूब से पैसा आता नहीं है, तो मैं मोनेटाइज नहीं हुआ। हाँ तो मेरा सिस्टम ये है, मेरा जाता है बाबू घर से खा के जाओ और घर आके
फिर से खा, और सकेगा तो दूसरों को ढीट के खा, मतलब उसको पोटिया के। पोटिया का भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उससे बोलिए खिलाइए। देखो अगर मेला में दोस्त खिलाता है तो बाबू चाड़ के खाओ, और नहीं खिलाता खुद से मत खाओ, घर से खा के जाओ, घर आके खाओ। मिलते हैं, देखो देखो सौदागर पार हो गई यहाँ से। क्या बोले यार दीदी, तुम हंसोगे यहाँ वहाँ? क्या बोले, सबको हंसता हमको देख के, सकता है सोचता है पागला गया, पैसा वैसा आता नहीं, खाली यूट्यूब पे वीडियो बनाता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सबर करो, मिलेगा, मोनेटाइजर होगा। लव यू दोस्तों, कमेंट में लिखो लव यू टू।